हेलो ब्रियन, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि हाई स्कूल का एग्जाम भी होने वाला है और ये स्टार्ट होने वाला है, और इसमें अगर आप मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है, आप अगर फॉर्मूला याद किए हैं तो फॉर्मूला पे रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आपका एसएससी में भी आता है, आपका डिफेंस में, किसी भी एग्जाम में आपका क्षेत्र में तीन मेंसुरेशन फॉर्मूला पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हाई स्कूल या इंटर में हैं तो आपका हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में आपका जो मेंसुरेशन से 10 से 12 नंबर का आता है। अगर आप करके जाएंगे तो बहुत आसानी से, अगर आप सूत्र फॉर्मूला याद किए रहेंगे तो हो जाएगा। जैसे आप हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर मतलब आपका बेलन, क्या है ये बेलन? जो बेलन होता है, बेलन कैसे होता है? ये हमारा बेलन हो गया, इस तरीके से हमारा बना रहता है बेलन। ऐसे ये गैप किए रहते हैं, ये भी गैप किए रहते हैं। यहां से आपका ये हमारी बेलन की ऊंचाई हो गई, क्या है? ऊंचाई h। ये बेलन की हमारी त्रिज्या बना देते हैं यहाँ से, ये बेलन की त्रिज्या r। ये ऊंचाई होगी और त्रिज्या होगी, बस बेलन का ये वृत्त है, क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन अगर बेलन है, बेलन का अगर आपको आयतन निकालना है, क्या है? वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन होता है, v से डिनोट करते हैं, आयतन का सूत्र क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका इसका आयतन का फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान हम कितना लेते हैं, या फिर 3.14, या फिर पाई बराबर लेते हैं 22/7। ये हम पाई का मान लेते हैं, पाई की वैल्यू। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया इसका क्या होगा? 2πRh, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πR ब्रैकेट में R+H। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। ये 2πR², ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2πR² प्लस 2πRh। ये इसमें हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा कैसे निकलता है? ये तो डायरेक्ट मालूम फॉर्मूला होता है, इसमें ये रहता है, इसका जो है इसका एरिया हो जाएगा, जो वृत्ताकार है ये, इसका एरिया क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो ये जो दोनों वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 2πR² प्लस हमारा इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठ। तो इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये क्या होता है? 2πRh। 2πRh वही, यहाँ से 2πR कॉमन लिए हैं तो R+H बचा है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का, सिलेंडर का। सिलेंडर का बेलन में इतना फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है पाई आर स्क्वायर एच आयतन, इसमें आपको आर दे देंगे, एच दे देंगे, आयतन पूछ लेंगे, या सरफेस एरिया निकालने के दे देंगे, या टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ। ये तो आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद आपका है क्या है? सिलेंडर के बाद हम डिस्कस करेंगे, हम शंकु। शंकु मतलब कोण, क्या होता है? कोण। कोण मीन्स क्या होता है? शंकु। शंकु को हम डिस्कस कैसे करेंगे? इसका आयतन हो या सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो,
कोण हमारा कैसे रहता है, ये हमारा कोण हो गया शंकु, शंकु ऐसे ही तो रहता है, ये हमारा शंकु हो गया। इसकी जो ये ऊंचाई है इसको हम क्या कहेंगे, यल, तिरछी ऊंचाई यल हो गई। ये जो यहां से आएगा यहां तक, ये क्या है, हाइट क्या है, यच, ये हम हाइट मानेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं हाइट हो गई ये, ठीक। त्रिज्या यहां से यहां तक आर त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। हाँ, अब इसके लिए आयतन का सूत्र क्या होता है, इसके लिए आयतन होता है 1/3 πr²h, ये तो वॉल्यूम का सूत्र हो गया। इसके बाद सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया होती पाई आर और एल, ये तो पाई हो गई, पाई तो पाई मान भाई बटे सात, आर ये हो गया यल, ये तिरछी ऊंचाई यल, यल कैसे निकलेगी, यल को हमें यहां से निकालना है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, ये देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके जरिए हम यहां से एल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये इसका जो एरिया होगा वृत्त है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा कोण का ये फॉर्मूला हो गया। इसी पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम आसान, सबसे आसान टॉपिक रहती है मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस रहता है और बस। तो इस तरीके से हमारा कोण का हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोण के बाद क्या है हमारा स्फीयर, क्या है स्फीयर, तो हम गोले के बारे में डिस्कस करेंगे, के बारे में किस चीज के, स्फीयर मतलब गोला, तो स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे, गोला। तो गोला क्या होता है, संपूर्ण गोला एक, मतलब स्फीयर एक हेमिस्फीयर, तो स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फीयर क्या है, ये स्फीयर है, ये तो वृत्त भी है लेकिन ये पूरी तरीके से अगर भरा है तो क्या है स्फीयर है, लेकिन इसमें भी अर्ध गोला होता है और क्या होता है, मतलब ये खोखला गोला भी होता है और फुल, मतलब खोखला नहीं, लेकिन हम अभी खोखला और इसके बारे में नहीं याद करना है, सिर्फ गोला। तो ये गोला हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम क्या है आर, ठीक। तो अब अगर गोला है स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम हो गया। इसके बाद जो सरफेस एरिया है ये क्या होगा 4πr² सरफेस एरिया। इसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया जो सरफेस एरिया इसका 4πr² ये सेम होता है, इसमें याद रखना ये जो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है, ये स्फीयर का, ठीक, ये स्फीयर का दोनों सेम होता है। अगर आप बात करेंगे स्फीयर के बाद हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में थोड़ा सा चेंज रहता है, क्या चेंज रहता है ये तो आप नोट कर चुके हैं। इसके बाद हेमिस्फीयर, अगर हमारा हेमिस्फीयर है तो ये गोला सीधे सीधे आधा हो जाएगा, ठीक। ये तो हेमिस्फीयर में हमारा जैसे आधा हो गया, तो ये 4/3 था ना, तो 2/3 πr³, लेकिन अब सरफेस एरिया जो है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr², ये इसमें ये चेंज रहता है, ये हो गया टोटल, ये हो गया क्या हो गया आयतन हो गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², इसका त्रिज्या आर है, तो ये इसका ये हो गया। तो हम जो मेंसुरेशन के फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए हैं, जो मेंसुरेशन के जो कोन होते हैं सिलेंडर और स्फीयर हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस किए, इसके जितने फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे हाई स्कूल हो उसमें भी आते हैं, अगर आप इन फॉर्मूला को याद किए हैं तो डायरेक्ट आपको पूरा मान दिया जाएगा। इसमें त्रिज्या देंगे,
दी रहेंगे, इसके बाद आपको वॉल्यूम या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता है। अगर आप ये फॉर्मूला याद किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।